या दोन टीम्समध्ये टॉस संपन्न केला गेला. गदादेव इलेवन या टीमला करावे लागेल बॅटिंग. आणि या खेळामध्ये खऱ्या अर्थाने या मॅचमध्ये काय घडेल काय बिघडेल मी इन्व्हाइट करतोय या मायक्रोफोनवरती शेरो के बादशाह बबूशा यांच्या शुभवनातून. तुम्ही ऐकाल हे केलाचं दुस पहिलं सत्र. मी तुर्ता थांबेन, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, अनुभवत राहा नगरसेवक चषक 2022. तो चलिए बात करेंगे दोनों खिलाड़ी. यहाँ पर 11 खिलाड़ी यानी जो टूर्नामेंट का रूप रहते हैं हम उभरम क्रिकेट में, तो यहाँ पर ऑनरम क्रिकेट में देखिए यहाँ पर 11 खिलाड़ी का रोल देखिए रहता है. यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पर भेजिए दोनों टीम के. चलिए गेंदबाज, चलिए फील्डिंग वाली टीम के देखिए यहाँ पर 12 खिलाड़ी उपस्थित हैं. तो बैटिंग वाली टीम की देखिए भेजिए यहाँ पर बैटिंग. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर गदादेव इलेवन टीम देखिए यहाँ पर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं टॉस हारने के बाद और टॉस जीते हैं. देखिए यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर टीम त्रिशल इलेवन टीम के, चलिए 11 खिलाड़ी. तो चलिए यहाँ पर गदादेव इलेवन टीम जो बल्लेबाजी टीम की यहाँ पर कौन बोला जा तो चलिए बात करेंगे जितेश और मंथन की जोड़ी. देखते हैं क्या गेंदबाज की कमर तोड़ी, क्या ये जोड़ी निकलेंगे जय बिरुगे जैसे. मंथन है देखिए बात करेंगे नो स्ट्राइक पर बैटर की बात करेंगे मंथन. चलिए गेंद पहुंचाइए मैदान पर और स्ट्राइक पर बैटर की बात करेंगे तो यहाँ पर रितेश देखिए यहाँ पर जितेश ये तो रितेश देशमुख बनता होगा आपको. तो चलिए अंपायरिंग की यहाँ पर बाहर जिम्मेदारी लेते हुए गोविंद जी यादव और उनके साथ बाबा. दूसरा देखिए हमारे बाबा अंपायरिंग के रूम में यहाँ पर रोल मॉडल. और गेंदबाजी की बात करेंगे गेंदबाज मंगेश देखिए फिर से एक बार तैयार हैं जगह पे खड़े होकर देखिए गेंद को बात करेंगे यहाँ पर हाथों से कैरी करना होगा. इसे कहते हैं गली का क्रिकेट जाकर पहुंच गया दिल्ली तक. अरे अंडरम क्रिकेट वही बेहतर खेल सकता है जो रोज बच्चे के साथ अभ्यास करता है घर पे. प्रशांत दादा वीर देखिए इस मैच की मजा लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत निश्चित रूप से दादा को हमेशा. देखिए बात करेंगे आज इंटरनेट का जमाना है आज कल हर इंसान को देखिए हमें इंटरनेट के माध्यम से देखने को मिलता है कौन कहाँ क्या कर रहे हैं. आज इंस्टाग्राम पर लीजिए फेसबुक पर लीजिए. और ये चलिए भाई यहाँ पर नज़दीकी मामला हो सकता था आंखों आंखों में दोनों रन चुराते हुए. मैंने यही बात बताया अंडरम क्रिकेट एक ऐसा है बचपन में क्या कहते हैं घर पे बच्चा आ जाए ना छोटा बच्चा उनके साथ ऐसा खेलना पड़ता है और घर पे बच्चा परेशान कर देता है दिन भर फेंकते रहिए वो छक्का दागने के लिए तैयार रहता है. यहाँ पर देखिए बात करेंगे बल्ला जल्दी ले को दे. मैंने यही बात कहा कि बल्ला का फेस आप जल्दी नहीं खोल सकते हो, जितना आप बल्ले देर लोगे लेट लोगे उतना आपको यहाँ पर अंडरम क्रिकेट में उतना फायदा मिलेगा. बहुत चैल करने की यहाँ पर इंतजार व्हाइट का इजाफा एक्स्ट्रा से एक रन आता हुआ कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 5 रन. क्या चैल करने कर रहे थे यहाँ पर आउट होते हुए. तो चलिए सुशांत जी आप रन बनाए या ना बनाए लेकिन आपके खाते में 2 रनों के पेनल्टी आ चुका है. हाँ आप सुशांत बात करेंगे यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ हल्दी की तैयारी में आए थे लेकिन एक रन डिक्लेयर जोन में जाता हुआ और 2 रन को पेनल्टी भी लिख दीजिए ऐड किया जाएगा जब बल्लेबाजी के लिए त्रिशल इलेवन टीम आएंगे यहाँ पर.
और ये चलिए बात करेंगे। तो चलिए सुशांत देखेंगे नाम गणेश के नाम से पहचाने जाते हैं और लगभग बात करेंगे आयोजन करता हूँ कि खिलाड़ी देखिए यहाँ सुधरते हुए तो चलिए मूड बना लिए खेलने का तो निश्चित रूप से एक अच्छे स्कोरबोर्ड देखिए सेट करना सबसे पहले जरूरी है आपको। बहुत बढ़िया देखिए आप देख सकते हैं 10 खिलाड़ी लेकर आप मैदान के अंदर प्रवेश करते हैं और ये चलिए बढ़िया कदमों के चयन करना है सुशांत के बल्ले से आता हुआ 4 रन। पेनल्टी देखिए जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे ना सेकेंड इनिंग में तभी उनका ऐड किया जाएगा। ओ गैप ढूंढ लिया भाई, वारे वाह ये तो बढ़िया गिली गिली चंपा कर रहे हैं यहाँ पर। भलाई जींस पहने हैं पसंद करेंगे कि 2 रन लग जाए चलेगा। एक राइजिंग स्टार एक समय की बात करेंगे खंबलपड़ा टीम के लिए खेला करते थे आजकल देखिए इनके अंदर अनुभव बहुत आ चुका है। और ये चलिए फिर से 1 रन बड़ी आसानी के साथ है। रन कैसे भी आए टीम के लिए एक एक रन अहमियत रखेगा यहाँ से। अंपायर थोड़ा सा अगर लेग बाय में रन रहेगा तो कॉल करिए, बल्ले से रहेगा तो ना करिए चलेगा, लेकिन लेग बाय बाय रहेगा तो वो कॉल करिए क्योंकि सीरीज के लिए देखिए हम पर बात करेंगे। सीरीज के लिए देखिए बात करेंगे कूलर नो बॉल अंपायर ने दिए। चलिए स्कोरर विपिन जी हमारे उनका नजरे तेज है यहाँ पर। और ये चलिए वाइट का इजाफा कूलर देखिए बात करेंगे आप कहीं पर भी बैठ जाइए कूलर लगा दीजिए, मई का महीना आ रहा है गर्मी और तेज बढ़ने वाला है। और ये चलिए भाई यहाँ पर 1 रन आपको देखिए पर्दे के अंदर जो भी गेंद रहेगा देखिए कॉर्नर के अंदर देखिए यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है भाग कर रन लेना होगा। कुल स्कोर देखिए जाकर पहुँच गया 21 रन। अरे चलिए स्टेप आउट करके खेले यहाँ पर और आखिरकार क्या बचाए यहाँ से बचाए यहाँ पर फील्डर बता रहे हैं आखिरी समय में बचा लिए बाल बाल बचे यहाँ से। और कुल स्कोर देखिए यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 21 रन बनाए और ये चलिए भाई यहाँ पर तो चलिए पट्टी है भाई। ओहो और देखिए बाउंड्री लाइन का सिग्नल दे रहा है बच गए 4 रन आता हुआ। स्क्रीन पर देखिए पट्टी है और पट्टी के ऊपर गया तो आउट तो हवा में यहाँ फिर भी थोड़ा मौका है खेलो तो हवा में अगर ये पर्दे। चलिए बैटर यहाँ पर आउट हो चुके हैं क्योंकि वो विकेट पे हिट करके गेंद गया है।
मंथन देखिए अभी तक चलिए स्ट्राइक पर बैटर की बात करेंगे मंथन। ओहो मंथन का बल्ला बोला ठन ठन चौका। ये भोला क्या कर दिए भाई, मंथन अच्छे देखे बैटिंग कर रहे थे यहाँ पर। भोला बोले भाई हम अभी भूले नहीं हैं पूरी तरह से। चलिए नए बैटर की बात करेंगे यहाँ पर, कुणाल उतरे हैं और ये चलिए भाई यहाँ पर भाग कर रन लेना होगा, कितना भी रन ले लें। भोला अगर ये करना चाहे था तो फिर आप मंथन के साथ क्यों ना इन सभी किए। तो चलिए स्कोर की बात करेंगे, नई बैटर देखिए पहुंचते हुए दिल खुश क्या बात है, क्या दिल खुश कर देंगे यहाँ पर अपनी टीम का। ओ दिल खुश ऐसे नहीं दिल खुश हो पाएगी। आगे आए पीछे मोड़े भाई गाड़ी को यहाँ पर। आदिए चलिए भाई दिल खुश, अब तो हो गए खुश। ये टॉच बॉक्स पर बहुत बढ़िया मेहनत लेते हुए हमारे देखिए युवा आयोजन करता हूँ। देखिए बात करेंगे सुशांत जी सलवी लीजिए, योगेंद्र शेलार लीजिए, ज्ञानेश्वर जी चौधरी लीजिए, सागर जी चौहान लीजिए। कल्याण टीम सिद्धिविनायक और टिटवाला के बीच में अगला मैच, दोनों कप्तान चलिए जल्द से जल्द आइए टॉच के लिए यहाँ पर। सिद्धिविनायक टिटवाला चिंतामणि कल्याण देखिए आइए, टारगेट की बात करेंगे, टारगेट 40 की जरूरत है और जहाँ पर दो रन देखिए आपको पेनल्टी का यहाँ पर एड किया जाएगा पहले।
दो रन जुड़ गए यहाँ पर। चलिए गेंद पहुंचाइए, गेंद दीजिए, अंदर गेंद दीजिए। और दोनों कप्तान आइए, सिद्धिविनायक टिटवाला टीम आ चुके हैं, चिंतामणि कल्याण टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे, आइए टॉच पर चलते हैं। डीजे के पास थोड़ी सी मौका है, बजा डीजे। बढ़िया स्कोरिंग करते हैं, बोला ओ हिट कर दिए। तो चलिए चिंतामणि कल्याण टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे, जल्द से जल्द आइए टॉच पर दादा, लॉकर लॉकर या नहीं तो पेनल्टी दिला जाए। चलिए अंपायर रह गए, कोई तो एक बंदे को भेज दीजिए। चलिए वही सब कुछ है लग रहा है, थोड़ा एक उभर जाएगा तो आ जाइए, खाली टॉर्च उड़ा कर ले जाइए। क्या उभर कंप्लीट? चलिए बॉल कितना बचा है क्या यहाँ से? एक गेंद शेष, अंपायर कप्तान वही दोनों कर रहे हैं। और बढ़िया ड्राइव किया यहाँ पर, एक रन आएगा। आजा आजा दादा,
ऊपर से खेल बैठे भाई, थोड़ा पर्दे को अगर छू लेकर चला जाता तो फिर चौका देकर जा सकता था। और किस्मत यहाँ पर सुशांत के ऊपर मेहरबान। शांत के बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ वेरिएशन दिखाते हैं, स्लोर गेंद अल्ट्रो में देखिए, स्लोर गेंद डालते हुए और नो बॉल। अंपायर की नजरों से बचना बहुत मुश्किल है। चौहान सर देखिए अंपायरिंग करते हुए, और अच्छी फील्डिंग। सत्रह रन बनाए, सत्रह रन। देखिए पहला दो रन हमने ऐड कर लिए बैटिंग करने से पहले, अपन ये चीज के ऊपर ज्यादा गौर रखते हैं। दो ओवर हो गई कंप्लीट है, अब बारह गेंद खेल हो गया समाप्त, और कुल स्कोर की बात करेंगे सत्रह, लेकिन अभी चाहिए अठारह, अभी चाहिए तेईस की जरूरत है। यहाँ पर बारह गेंद देखिए बचा है, क्या बढ़िया देखिए वापसी करते हुए घुटरु घुटुम नए बॉलर सागर। ओहो हो सागर ने पहली बूंद डाल दी भाई, समंदर क्या बनाएंगे यहां से। अभी देखिए 11 गेंद, और ये चलिए भाई यहां पर एक रन। अभी देखिए यहां पर आपको 22 की जरूरत है, और गेंद कितना बचा है। चलिए भाई टाटा पावर स्टॉप पर जाइए, वहां से कल्याण के लिए मिलता है बस, लेकिन गेंद बचा है 10। और ये चलिए भाई 10 गेंद यहाँ पर, और ये चलिए आंखों में क्या दूसरी रन हो कंप्लीट। अंपायर के लिए आसान नहीं रहेगा यहाँ पर, बहुत मुश्किल है रन आउट देना, इतना क्लोजिंग है, विकेट लाइन थोड़ा सा मिटा हुआ है मेरे हिसाब से अगर रहेगा तो। और कुछ चुना लेकर जाइए वाइड। ओहो गेंद हाथ से निकल गया था, इस बार शायद लगता है दूर रह गया, पैर से गेंद रोक लिए। काश गब्बर ये मैच देख लिया होता तो सोच रहा होगा, काश ठाकुर का दोनों हाथ के साथ पैर भी काट दिया होता। गणेश जी चौहान अंपायर बहुत बढ़िया देखिए। गोविंद जी यादव देखिए पिसोली की नाइट मुकाबला के लिए शायद विपिन जी, तभी हमें समय नहीं मिला था उस नाइट मैच में आने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा देखिए ओवर आर्म क्रिकेट थोड़ा सा स्लो चलता हुआ वक्त समय है, और अंडर आर्म क्रिकेट में देखिए देर से आया लेकिन लगातार दूसरे दिन, कल कोहली को पर रायगढ़ पर, और आज खंबल पड़ा देखिए बात कहा जाए तो। बहुत बढ़िया कैप ढूंढ लिया भाई, जरूरत था इस चौके की, जैसे कहते ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, मैच में जिंदा रहने के लिए चौके का जरूरत था। सबसे स्कोर देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 27 रन, अभी 13 का जरूरत है, और यहाँ पर देखिए 6 गेंद बचा है, अब 13 क्या होगा कालिया, जिस गब्बर ने फेमस बन गए उस वर्ड से। हाँ 13 रन ऐड किए पहले, देखिए रन ऐड हो गया है, अभी आपको कंपलसरी यहां पर 13 रन बनाना होगा, हम पहले से बता रहे हैं रन ऐड कर लिया आपका, जैसे आपका इनिंग शुरू होता है ना तभी हमने ऐड कर लिया।
सिद्धिविनायक टिटवाला टीम ने टॉस जीता है और डिसीजन पहले फील्डिंग सुने गेंदबाजी टॉस जिंक फर्स्ट गोलंदाजी घेतला टिटवाला संघ और ये चलिए भाई लपेट लिया सपेट लिया और ये चलिए उड़ी बाबा सुसान किसके पैर से गया था भागकर यहां पर देखिए कितना रन आया दो रन आया अभी 11 की जरूरत है पांच गेंद 11 की जरूरत है 11 5 5 11 बहुत बढ़िया समीकरण देखिए गेंदबाजी की बात करेंगे यस स्टेप आउट किया यहां पर और चौका दिया कुणाल अभी देखिए रन कितना हो गया यहां पर आकर 7 रन आ चुका है 6 का जरूरत है 5 गेंद चलिए नितेश दादा शिलर आइए मुझे लग रहा था अभी कॉल करूं क्या नहीं दिखाई नहीं दे रहे और मुझे लगा ड्रीम इलेवन तो बीचे रहेंगे और चलिए बात करेंगे यहां से नितेश दादा ड्रीम इलेवन खेलने से बेहतर मुझे इस सबसे डायरेक्ट टीम के ऊपर लगा दीजिए ये सबसे बेहतर है अरे ये चलिए बात करेंगे और तीन गेंद और तीन की जरूरत है क्या बात है गेंद बचा है 3 कंपलसरी चेसिंग देखिए उड़ाएगी यहां से हल्की हल्की नहीं ना अरे ये चलिए दाग दिए चौका क्या बल्लेबाजी भाई सुन बाबा सुन और ड्रम क्रिकेट की ये धुन सुन और 1 विकेट्स आइए मंगेश इस मैच के मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी देने के लिए गुजारिश करेंगे यहां से जीतू दादा शेलर भी देखिए यहां पर आ चुके हैं मैं जिक्र कर रहा था यहां पर शाम के समय और मैन ऑफ द मैच जीतू दादा आइए आपके हाथों से दिया जाएगा ट्रॉफी मंगेश को देखिए 19 रन और 1 सफलता मंगेश ने क्या बढ़िया बल्लेबाजी की मंगेश ने अपने बल्लेबाजी से बता दिया सुन बाबा सुन अंडरम क्रिकेट का एक टाइमिंग सुन बहुत बढ़िया टाइमिंग अंडरम क्रिकेट देखिए जीतू चिल्लर जानते हैं बच्चे के साथ रोज अंडरम खेलना पड़ता है और उन्हें ज्यादा फायदा मिलता है इस मैदान के ऊपर आकर मंगेश इस मैच के मैन ऑफ द मैच हुए जीतू दादा चिल्लर देखिए इनका सम्मान किया जाएगा सुजीत दादा सेलर देखिए इनके हाथों से हमारा जीतू दादा सेलर देखिए इनका सम्मान किया जाएगा बहुत बढ़िया देखिए रिवर्स के बाद रिवर्स के किंग देखिए जीतू सेलर कहा जाए तो पिछले सीजन में कौन भूल सकता है ओपन मैच में लाजवाब बल्लेबाजी अर्धशतक खेले थे विजय पावले के ऊपर हमला किए थे सुल्तान खान के ऊपर हमला किए थे एक बहुत बढ़िया इनिंग था ओपन में इनका अर्नी विक्टोरिया टीम से देखिए खेलते हैं ओपन में और ग्रामीण में देखिए बात करेंगे एसएससी खांबल पड़ा टीम के लिए और बहुत बढ़िया देखिए टेनिस क्रिकेट में बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट जीतू शेलर का आ जाए तो आज ठाणे रायगढ़ ने